नीट बायोलॉजी के लिए नोट्स बनाना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि अब जस्ट अंडरलाइन एंड नोट डाउन द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो अपडेटेड PYQ 2022 टू 2011, यस 2022, एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इज अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the living word chapter 1 hai class 11th ka. So let's get started. Bahut dhyan se suno, jahan jahan questions aayenge wahan wahan main aapko batati jaungi. So unit 1, diversity in the living word. Iska meaning hai ki jis word mein hum log rehte hain wahan par bahut sari biodiversity hai. Pehla sentence, biology is the science of the life forms and being process, living processes. ये बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है बेटा? ये एक साइंस है सभी लाइफ फॉर्म्स का, एंड जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं. सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस. ह्यूमन रेस की स्टडी करने को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी. नाउ नेक्स्ट, अर्नेस्ट मेयर का कंट्रीब्यूशन. उन्होंने क्या किया कि ही गेव द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज. और ये क्या है कि वो स्पीसीज जो रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज, यानी कि द स्पीसीज दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. अगर पूछा जाता है कि ही गेव द टर्म किसने दिया है स्पीसीज, तो इस क्या बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा जॉन रे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड है. यहाँ पर जो पहला जो हेडिंग है दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या हम जिंदा हैं. तो अगर आपसे पूछें तो ये आप कहेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है कि हम तो वी आर लिविंग. ऑफकोर्स वी नो दैट कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इट इज़ अ साइंस. कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको प्रूव करना है. एनसीईआरटी कहती है, बहुत ध्यान से सुनो, कि यहाँ पर दो टर्म्स दिए हुए हैं, डिफाइनिंग फीचर है और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ में क्या दिया गया है कि विदाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस नहीं हैं. और यहाँ पर वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर जो भी अभी हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे तो आपको बताना है कि ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है. सबसे पहला जो कंसिडर करेंगे दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ को बताना है. सो यहाँ पर ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस तरह के ये स्टेटमेंट अगर आता है तो इट इज करेक्ट और नॉट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यस इट इज करेक्ट. अब यहाँ पर देखो, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. जैसे ही कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या उसके सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं? उसके सेल्स भी बढ़ रहे हैं और उसका इंक्रीज इन नंबर भी हो रहा है और इंक्रीज इन मास भी हो रहा है. तो यस इट इज करेक्ट. तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. तो अगर क्वेश्चन होता है कि वॉट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो हम इसका आंसर होगा कि इसका आंसर है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. ओके, नाउ अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्लांट्स फॉर एग्जांपल, प्लांट्स में तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन, अगर कॉन्टिन्यूस होती जाती है, वो हम क्या उसको डिटरमाइन कर पाते हैं? नहीं. तो प्लांट्स में एक टर्म से बोला जाता है दैट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. और अगर एनिमल्स की बात करें तो यही ग्रोथ क्या है? इट इज अप टू अ सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है. तो क्या इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्लांट्स शो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ और एनिमल्स कैसे ग्रोथ शो करते हैं? दे शो द डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ. नाउ अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पर जितने ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? वो एक सेल से दो, फिर फोर, है ना. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द बाइनरी फ्यूजन, है ना, 2 to the power n, उनका नंबर बढ़ता जाता है. एंड यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ये देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साथ ही साथ हो रहा है, अगर उनका सेल मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या वहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है? यस.
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दीज टू टर्म्स आर सिनोनिमस, सिनोनिमस यानी कि यहाँ पर ये दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का मीनिंग ये है कि द प्रोसेस इज सेम, ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात करते हैं, अगर एनिमल्स की बात करें तो आप मुझे बताओ कि क्या ये करेक्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ एनिमल्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यस इट इज़ करेक्ट, ये एक प्रोसेस थोड़ी ना है। अगर आपको कहीं पर चोट लगती है तो रिपेयर करने के लिए जो न्यू सेल्स आते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या वो रिप्रोड्यूस, उसने रिप्रोडक्शन थोड़ी ना किया, वो तो सिर्फ वहाँ पर ग्रोथ हो गया। तो दैट इज़ यहाँ पर इट इज़ करेक्ट कि एनिमल्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में। और अगर बात करें यूनिसेलुलर की तो क्या होता है, इट इज़ म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, नाउ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, सैंड माउंट, ये जो पहाड़ होते हैं, जो पहले कभी पहाड़ आपने देखा हो, कभी छोटा था, फिर बहुत सालों के बाद वो काफ़ी बिग हो जाता है, तो ग्रोथ क्या उसमें नहीं होती है? यस ग्रोथ तो उसमें भी होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि क्या अगर हम देखें कि क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या लिविंग की, व्हाट इफ ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग और द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो देखें यहाँ पर कड़े शब्दों में लिखा है इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। अब एक पॉइंट आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, माउंटेन्स में तो क्या हो रहा है, बाहर से ऊपर से ग्रोथ हो रही है फ्रॉम आउटसाइड, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, माउंटेन्स को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जबकि जो जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं वो क्या हो रहा है फ्रॉम इनसाइड, यानी कि यहाँ पर इंट्रिंसिक ग्रोथ शो पर यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ इट इज़ इट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो यहाँ पर आंसर होगा येस, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो इनसाइड से ग्रोथ हो रहा है, अंदर से जो ग्रोथ हो रहा है, वही वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। ओके क्लियर। नाउ वी विल टेक द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में यहाँ पर देखेंगे रिप्रोडक्शन में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है वो या तो कुछ सिमिलर भी होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट भी होते हैं, ऑफकोर्स येस। तो यहाँ पर बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर जो पूछा जाता है वो क्या है कि फिलामेंटस एल्गी, फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये क्या शो करते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स, वेजिटेटिव, एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल था फ्रेगमेंटेशन का, यहाँ पर देखो रीजनरेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है, वो करता है प्लेनेरिया, ये क्या है, फ्लैट वर्म। और जो फंजाई में आपको पता ही है कि वहाँ पर एसेक्चुअल स्पोर्स वहाँ पर बनते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो एक बार फिर से इट इज़ अ सिनोनिमस, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल भी हो रहा है और मास भी हो रहा है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू द रिप्रोडक्शन। तो अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि क्या यह डिफाइनिंग फीचर है, देखो एक पॉइंट अभी है, यहाँ पर इतना तो हमें पता चल गया कि यूनिसेलुलर भी रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो लेकिन उनका क्या जो स्टराइल है, यानी कि म्यूज, स्टराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो क्या वो लिविंग नहीं है? यस ये एक्सेप्शन है, वो भी लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसिडर करते हैं। ओके अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म की बात की गई है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज कुछ यहाँ पर कोई बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, तो यहाँ पर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो क्वेश्चन वही है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं ग्रोथ का, लिविंग का सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर यस मेटाबॉलिज्म, तो देखो
कैसे पता करेंगे डिफाइनिंग फीचर है? यूनिसेलुलर क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिज्म, यस। नाउ प्लांट्स शो करते हैं, यस। नाउ एनिमल्स शो करते हैं, यस। और नॉन लिविंग नहीं शो करते, तो यस इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इन विट्रो की बात करें, अगर हम आउटसाइड द बॉडी रिएक्शन की बात करें, जो टेस्ट ट्यूब में जो नॉन लिविंग जो रिएक्शंस होते हैं वो भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, लेकिन यहाँ पर देखो कड़े शब्दों में लिखा गया है कि ये क्या है, दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शन, नथिंग एल्स बट द लिविंग रिएक्शन। अब यही क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ है, तो यस इट इज़ ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है दैट इज सेंस टू देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स, यानी कि सेंसिटिविटी, यानी कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं। यूनिसेलुलर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, यस और नो। फॉर एग्जांपल अमीबा, जब एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो क्या वो एंसिस्टमेंट नहीं कर लेते हैं, स्पोर्स बनाते हैं? तो यस दे ऑल्सो सेंस द एनवायरनमेंट। इन केस ऑफ प्लांट, टच मी नॉट, याद रखना मिमोसा पुडिका, जब भी आप उसको छूते हो तो क्या होता है, लीव्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, मुझे मत छो, टच मी नॉट, ओके। तो दे ऑल्सो सेंस टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, यहीं से क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स भी, यानी कि देखो SO2 पॉल्यूशन, जहाँ पर भी SO2 पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फोटो पीरियड ऑल्सो अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सीजनल ब्रीडर्स। तो ये भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फोटो पीरियडिज्म भी यहाँ पर वो सेंस करते हैं, ठीक है। नाउ ह्यूमन बींग्स इट इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये भी ओनली सिर्फ ह्यूमन बींग्स है जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो यस इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या देखा हम लोगों ने कि क्या ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर है, नो। रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग फीचर है, नो। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर है, यस। नाउ नेक्स्ट इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, यस। एंड द नेक्स्ट इज अ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या डिफाइनिंग फीचर है, यस। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट भी करते हैं, इवॉल्व, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम। अपने आप में ही आप देख सकते हैं कि हमारा ह्यूमन सिस्टम भी कितना ही कॉम्प्लेक्स है। तो एक चीज़ यहाँ पर एक एनोमली है, एक एक्सेप्शन है जो कि NCERT ये लिखता है कॉन्शियसनेस के ऊपर कि ह्यूमन बींग्स में जो लोग कोमा में चले जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सपोर्टेड बाई मशीन्स होते हैं, ठीक है, वो तो कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो करते हैं। दिस इज़ अ पॉइंट विच यू हैव टू कंसिडर। बट लेकिन कॉन्शियसनेस नो डाउट इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है, ये और कुछ नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर कितने तरह की यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ 1.7 to 1.8 million यहाँ पर कितने स्पीसीज हैं, ये इतने स्पीसीज यहाँ पर मिलते हैं। और ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक्सप्लोर करें न्यू एरियाज़ को और इवन ओल्ड वन, यानी कि जहाँ पर एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके हैं फिर भी वहाँ पर न्यू स्पीसीज मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बेटा क्या होता है, इवोल्यूशन और म्यूटेशन दोनों ही वहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट जो एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे आपका नाम है स्कूल में, तो वही नाम जब आप डॉक्टर बनोगे तभी भी तो वही नाम यूज़ होगा, तो यहाँ पर सेम होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कि लोकल नेम हम लोग नहीं यूज़ करते, तो कौन सा नेम यूज़ करेंगे साइंटिफिक नेम। और ये जो साइंटिफिक नेम कौन रखता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ICBN और ICZ। देखो बी मतलब होता है बोटानिकल, यानी प्लांट्स के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब यही जो नाम है साइंटिफिक नेम, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो नाम ही तो रख रहे हैं, नाम रखना मतलब नोमेनक्लेचर, नामांकरण कर रहे हैं, ठीक है। बाई मतलब दो, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो दो पार्ट होते हैं नाम के, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। और ये दिया किसने था, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रूल्स,
इसके रूल्स जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एग्जांपल क्या लिया गया है बेटा, वही आम मैंगो जो हम लोग खाते हैं और उसका नाम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसी से हम लोग रूल्स को देखते हैं। देखो पहला नाम मैंने कहा ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो पहला नाम क्या हो गया मैग्नीफेरा, ये क्या है बेटा जीनस है, इसको ध्यान से देखो पहला लेटर क्या हो गया कैपिटल, और दूसरा क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया स्पीसीज, तो इसमें ये क्या हो गया स्मॉल लेटर, ठीक है। फिर इसका जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है लेटिन, लेटिन लैंग्वेज, ये एक्चुअली ये क्या होता है डेड लैंग्वेज है। अब अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इटैलिक्स फॉर्म में, आप देख सकते हैं यहाँ पर इटैलिक्स फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर हैंड रिटन है, अगर हाथ से लिख रहे कॉपी में लिख रहे हैं तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैग्नीफेरा अलग और इंडिका अलग, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो और यहाँ पे क्या रूल्स हैं कि मैग्नीफेरा इंडिका में फर्स्ट लेटर डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये हम लोगों ने देख लिया, और जो स्मॉल लेटर किसका है स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। नाउ अच्छा यहाँ पर देखो कभी कभी क्या लिखा रहता है लिन फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका लिन, अब ये क्या है भाई कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे क्रेडिट ले रहे हैं, हर कोई क्रेडिट लेता है, किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप बताओ, कैरोलस लीनियस, तो वही लीनियस का एल आई एन एन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है ना एक वर्ड आता है टोटोनिम, ये क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि रैट का जूलॉजिकल नेम बताओ तो क्या हो जाएगा बताइए, उसका नाम हो जाएगा रैटस रैटस, यानी कि ये जो स्पीसीज है और जो जीनस नेम है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट है दोनों क्या हो गया यहाँ पर सेम इक्वल हो गया, तो इसी को कहते हैं टोटोनिम, ये होता है प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नाउ अब हम लोग आगे देखेंगे कि साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टैक्सा, इसको समझेंगे कि जब भी हम लोग अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने नाम रखना है तो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको क्लासीफाई करना होगा। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके जो स्कूल में आपका जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो स्कूल है, इधर मैंने लिखा स्कूल है ना, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होती है, प्री प्राइमरी सेक्शन होता है ना, फिर प्राइमरी सेक्शन होता है, फिर सेकेंडरी सेक्शन होता है, फिर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन होता है, फिर इसी तरह से अगेन क्लासिफिकेशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी में कितने होंगे सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, अब एक क्लास में देख लो, फिर उसके बाद कितने सारे हाउसेज में हो जाते हैं, है ना, होता नहीं रमन हाउस फॉर एग्जाम्पल, गार्गी हाउस, सभी के अपने अलग अलग नाम है, याद करो स्कूल डेज की, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन होगा, तो पहला क्या आ जाएगा यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं तो वो भी अपनी अपनी कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाएंगे, और उसी कैटेगरी को हम क्या कह देते हैं बेटा टैक्सा। ये क्या होता है हमारा यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है कि द साइंटिफिक टर्म्स फॉर ईच फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड द टैक्सा, टैक्सा होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इसको हम क्या कह देते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले देखो ये क्या होता है सिस्टमैटिक्स, एक वर्ड है सिस्टमैटिक्स में, मतलब यहाँ पे क्या कह दिया कि हम जो क्लासीफाई तो कर रहे हैं प्लांट और एनिमल को, लेकिन एक दूसरे से क्या रिश्ता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जैसे हम अकेले तो रहते नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे आसपास सोसाइटी में क्या है, काउज भी हैं, हम मिल्क लेते हैं, है ना, हमारे उसके क्या रिलेशन है ना, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं सिस्टमैटिक्स। दिस ब्रांच ऑफ द स्टडी वॉज रिफर टू द सिस्टमैटिक्स, यानी कि ये देखो रिलेशनशिप अमंग देम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने सिस्टमैटिक्स तो बता दिया, अब उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिख दिया, ठीक है ना, बुक लिख दिया तो उसका नाम क्या हो गया सिस्टमा नैचुरे, सिस्टमा नैचुरे ये बुक का नाम है, और ये इन्होंने कब पब्लिश की थी, एक बार आया था इसका ईयर 1758, है ना, ये आप नोट डाउन कर लो 1758, और एक दूसरी बुक भी लिख दी इस पर, ठीक है, स्पीसीज प्लानटेरम प्लानटेरम, और ये लिखा था फर्स्ट में, ये पब्लिश करी थी 1753, एटलीस्ट इसका नाम तो याद होना चाहिए, है ना, सिस्टमा नैचुरे सिस्टमा स्पीसीज प्लानटेरियम, किसने लिखा था भाई, इन्होंने लिखा था कैरोलस लीनियस। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, ये दिया था जूलियन हक्सले, ये नाम याद रख लीजिएगा हक्सले, और क्या लिखना है आपको यहाँ पर न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाय जूलियन हक्सले, और इस सिस्टमैटिक्स में क्या होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर
डिस्क्राइब्ड हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो अभी आपने देखा जो कैटेगरी होती है ना उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टैक्सॉन। तो यहाँ पर कैटेगरी का दूसरा नाम लिख दिया है, क्या है, ईच एंड ईच रैंक, है ना। जो कैटेगरी है वो क्या है, एक्चुअली में वो क्या है, रैंक है एक, और उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, टैक्सॉन। और यहाँ पर जो टैक्सोनॉमिक, ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, हायरार्की यहाँ पर बन रहा है। तब यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे हम लोग, कौन कौन से रैंक्स हैं, है ना, तो वो कौन कौन से रैंक्स हैं वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले देखो एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, टैक्सॉन अगेन, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, अच्छा इस कैटेगरीज में अगर हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, देखो किंगडम, फाइलम, देन सी ओ एफ जीनस एंड स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको याद करने का जो मेन ट्रिक है वो क्या है, देखो मैंने तो ऐसे याद किया था, सी ओ एफ, कॉफ, कॉफ, हम लोग को खांसी हो जाती है, कॉफ हो जाता है, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। सो नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट और एनिमल, है ना। प्लांट और एनिमल्स का तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद में होता है नॉमेनक्लेचर। एक एग्जांपल से हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे मान लो आप डॉक्टर हो, ओके, वाओ, गायनेकोलॉजिस्ट हो, और एक हॉस्पिटल में आपको कितनी डिलीवरीज हुई हैं, 20। तो पहला काम क्या होगा बेटा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या करोगे कि कौन सा जो बच्चा है कौन से पेरेंट का है, एंड देन फिर क्या होगा उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होगा कि बॉय है या गर्ल है, उसका वेट कितना है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द पैरामीटर्स यू विल क्लासिफाई, एंड देन फिर उसका क्या करेंगे बेटा, नामांकरण, नोमेनक्लेचर। सो दिस इज़ द मेन स्टेप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे स्पीसीज। तो यहाँ पर देखो स्पीसीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज नोन एज द स्पीसीज। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया किंगडम, फाइलम, सी ओ एफ, यानी कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ओके। तो स्पीसीज क्या है, सबसे लोवेस्ट है, और सबसे कॉमन फीचर भी हमको यहीं पर मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि क्लास में जो डिफरेंट टाइप ऑफ, एक स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं, फर्स्ट टू इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हमें अपना, जैसे बच्चा एडमिशन होता है तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि गार्गी ग्रुप, आप अपना स्कूल डेज याद करते हो, सबसे कॉमन जो फीचर आपको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, सबसे लोवेस्ट रैंक। तो यहाँ पर स्पीसीज क्या हो जाएंगे, सबसे कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पर हमको मिलेंगे, जैसे जैसे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे हमारे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीसीज, तो क्या हो गया यहाँ पर कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज, और ये कैसे बेस्ड है, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज, और ये क्या है, सबसे लोवेस्ट रैंक है, है ना। अब यहाँ पे देखो कई सारे यहाँ पर बोटानिकल नेम, जूलॉजिकल नेम यहाँ पर दिए गए हैं, देखो मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका हो गया हमारा स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरेसम जैसे आपको आना चाहिए, पोटैटो, पोटैटो का ये बोटानिकल नेम है, तो यहाँ पर ट्यूबरेसम क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। पैंथरा लियो, लियो क्या है यहाँ पर, स्पीसीज। तो यहाँ पर जो जेनरा है, मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, और उनके अलग अलग क्या हो जाएंगे, स्पीसीज हो जाएंगे, और ह्यूमंस का क्या हो जाएगा, होमो सापियंस। सो नाउ जीनस, जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज। जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज। तो स्पीसीज में क्या लिखेंगे, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर इसका एग्जांपल देखो, एक प्लांट को कंसिडर करते हैं और एक एनिमल को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो अगर जीनस है सोलेनम, तो उसके हो जाएंगे टू टाइप, पहला हो जाएगा हमारा पोटैटो यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम, और दूसरा हो जाएगा ब्रिंजल यानी कि विलंगिना, ये हो गया हमारा ब्रिंजल। देन नेक्स्ट इज द पैंथरा, पैंथरा में क्या एग्जांपल दिया गया है, पैंथरा मतलब यहाँ पर लॉयन भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, पैंथरा लियो एंड पैंथरा पार्डस एंड पैंथरा टाइग्रिस। तो ये पैंथरा का यहाँ पर तीन यहाँ पर स्पीसीज दिए गए हैं। फैलिस किसमें आएगा बेटा, जी बेटा आएगा ये फैलिस में। नाउ नेक्स्ट इट इज़ द फैमिली, हमारी भी तो फैमिली होती है, तो यहाँ पर
तो फैमिली के नीचे क्या आता है? जीनस एंड स्पीसीज। तो फैमिली में क्या लिखेंगे? इट हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, इन्होंने फैमिली कैसे हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं, वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुलैनम, पिट्यूनिया, धतूरा, दे आर सेम, दे आर प्लेस इन द सेम फैमिली सोलेनेसी, जबकि तीनों के जो जीनस हैं वो अलग अलग हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे अमंग्स द एनिमल्स, एनिमल्स में कौन सा फैमिली लिया गया है? फैलिडेई। तो फैलिडेई में ही हमने क्या रख दिया है कि यहाँ पर जीनस पैंथरा और फैलिस दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं फैमिली में। सो दिस इज, और एक और यहाँ पर याद कर सकते हैं कि डॉग्स की कौन सी फैमिली होती है? कैनिडेई, ये भी आता है एग्जाम्पल। नाउ वी विल डिस्कस द ऑर्डर। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी COF, जीनस एंड स्पीसीज, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्डर, और ऑर्डर के नीचे क्या लिखा हुआ है? फैमिलीज। तो यानी कि इट हैज़ द कैटेगरीज विद द सिमिलैरिटी विद द ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिलीज। तो यहाँ पर देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर है कार्निवोरा, और कार्निवोरा में इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें कौन कौन सी फैमिलीज हैं? फेलिडेई और कैनिडेई। प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो जो ऑर्डर लिखा हुआ है पॉलीमोनियर्स, और इसमें कौन कौन सी प्लांट की फैमिलीज इंक्लूड हो जाएंगी? कॉर्नवॉलवेसी और सोलेनेसी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑर्डर इसमें सफिक्स में यहाँ पर देखिए क्या लगता है, जहाँ कहीं पर भी एयर्स आएगा तो यानी कि वो ऑर्डर है। और अगर फैमिली की बात कर रहे हैं तो देखो ए से ई, ये यहाँ पर सफिक्स लग जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा डिस्कस हम लोग करेंगे, दैट इज़ द क्लास। तो क्लास में यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो पहले तो दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स, एकदम सही है। देन यहाँ पर देखो जो क्लास है, दैट इज़ द क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया में कौन कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं? क्लास मेमेलिया में आ जाएंगे कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, फॉर एग्जाम्पल। और प्लांट्स की बात करें तो देखो डाइकॉट, मोनोकॉट में ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइलम। तो फाइलम फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या हो सकता है? फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लांट्स के केस में यहाँ पर आप पढ़ते हो एंगियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, ये सब क्या है यहाँ पर, ये इसके फाइलम हो जाते हैं। देन किंगडम, किंगडम इट इज़ अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम यहाँ पर प्लांटेई। तो यहाँ पर ये जो चार्ट दिया हुआ है, तो कॉमन कैरेक्टर्स आप मुझे बताओ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो आंसर ये क्या आ जाएगा? स्पीसीज, क्योंकि हम कहाँ से मूव कर रहे हैं कि अगर हम किंगडम की से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं, हायरार्कीया डाउनवर्ड टुवर्ड्स द हायरार्की, तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर मिले। यस, देखो यहाँ पर इसीलिए देखो ये लाइन भी लिखा हुआ है लोअर द टैक्सा, जितना टैक्सा नीचे है, फॉर एग्जांपल किंगडम, फाइलम, COF, जीनस एंड स्पीसीज, जितना वो लोअर है वहाँ पर जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर एंड हायर द कैटेगरी डिफिकल्ट ऑफ द डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, यानी कि डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे जब भी हम स्पीसीज की से किंगडम की तरफ जाएंगे। ओके, ना ये चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैन का, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली देखिए एडेई यहाँ पर लिखा हुआ है होमनीडेई। ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, क्लास मेमेलिया, एंड डिवीजन क्या है? ऑब्वियसली कॉर्डाटा। हाउस फ्लाई की बात करें तो भाई बहुत मस्ती खोर है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, मस्किडेई, डेप्टेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंसेक्टा है क्लास एंड ऑर्थोपोडा है फाइलम। मैंगो की बात करें तो इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एनाकार्डियेसेई, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सैपनिडेल्स, और ये क्या है? डाइकॉट है, और ये क्या है इसका फाइलम? एंगियोस्पर्मी। वीट की बात करें तो ट्राइटिकम एस्टिवम, फिर यहाँ पर इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है पोएसेई, देन पोएल्स, मोनोकोटलिडन है ये, एंड एंगियोस्पर्मी है। नेक्स्ट इट इज़ अवर द टैक्सोनॉमिकल एड्स।
देखो जैसे एड मतलब होता है हेल्प, हमें क्लासिफिकेशन करने में ये हमें जो हेल्प करेगा वही तो होगा टैक्सोनॉमिकल एड। तो यहाँ पर देखिए इट इज़, ये वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज असेंशियल इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। इनडायरेक्टली ये लाइन पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ, लेट अस सी कौन कौन से, जैसे हमें होता है फर्स्ट एड है ना, जब भी हमें चोट लग जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं फर्स्ट एड, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स दिए गए हैं। तो पहला जो हो जाता है यहाँ पर हर्बेरियम, हर्बेरियम आपने यूज़ भी किया होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं जो भी प्लांट को हम लोग कलेक्ट करते हैं। और फिर ये आप फोटोग्राफ भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो जो पूछा जाता है दैट इज़ कि डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स भी वहाँ पर लिखा जाता है, प्लस फैमिली भी लिखा जाता है यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है जो भी हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर नेम भी यहाँ पर लिखा जाता है किसने कलेक्ट किया। तो क्या हाइट भी लिखा जाता है क्या प्लांट्स की, यस और नो, सो दिस इज़ रॉन्ग। तो एक्चुअली ये पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट नहीं है, तो हाइट प्लांट की कभी भी वहाँ पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इट इज़ जो क्विक रेफरल सिस्टम, इट इज़ नोन एज द क्विक रेफरल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हर्बेरियम शीट्स का जो साइज़ होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, 11.5 × 16.5 inches, इस पर भी क्वेश्चन आता है, सो वेरी यू शुड बी वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट इट इज़ द बोटानिकल गार्डन, आप गए होंगे या फिर सुना होगा आपने, ये किसके लिए होता है, इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। और ये क्या किसका एग्जांपल है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर इसका एग्जांपल हमें याद करना है कि देखो इंग्लैंड में क्यों बोटैनिकल गार्डन है, हमारे इंडिया में हावड़ा में कहाँ कौन सा है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, और NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ, और दार्जिलिंग में कौन सा है, लॉयड, ओके लॉयड बोटैनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग में। नाउ नेक्स्ट है हमारा म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम तो ये यहाँ पर बोथ स्टोर करते हैं प्लांट एंड एनिमल को, और किस में स्टोर करते हैं, तो फॉर्मेलिन में, तो इसको कलेक्ट किया जाता है, किलिंग किया जाती है, पिनिंग किया जाता है, एंड यू नो कि एनिमल स्पेसिमेन आपने स्कूल्स में यहाँ पर देखा होगा। नाउ नेक्स्ट इट इज़ द वाओ जूलॉजिकल पार्क, जू भी आप घूम लो यहाँ पर, बताइए ये कौन सा एनिमल है। सो जूलॉजिकल पार्क तो सभी ने यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, तो एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट सीटू कंजर्वेशन का ये एग्जांपल है, यहाँ पर भी एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। ओके कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट, उनका ट्रीटमेंट, उनका फीडिंग सब पूरा साइंटिफिकली गवर्न होता है। और उसको क्या लिखा है देखो NCERT ने, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क एंड कॉमनली नोन एज जू। तो ये हमारा कौन सा एनिमल है, राइनोसिरोस, ठीक है आप देख सकते हैं जू में। देन नेक्स्ट इट इज़ द हमारा आ जाता है की, तो की में आपको याद करना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, कंट्रास्ट हमेशा यहाँ पर दिया रहेगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की इन अ पेयर कॉल कपलेट है ना। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, किसी ने यहाँ पर कोई एक प्लांट न्यू स्पेसिमेन लेके आया, तो भाई पूछेंगे कि आप ये प्लांट है कि एनिमल है, ऑलवेज दे गिव द टू ऑप्शंस कंट्रास्टिंग पेयर, तो दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड कपलेट्स, एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, और जो भी जो स्टेटमेंट होता है ना उसको क्या कह देते हैं, लीड, एंड इट इज़ आर एनालिटिकल इन नेचर। ओके नाउ नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, तो उसके एग्जांपल क्या हो गया, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, और सब में इसका डिफरेंसेस पूछा जाता है। तो व्हाट इज दैट, लेट अस सी, देखो मोनोग्राफ का याद कर लो, मोनो मतलब एक है ना, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। देन मैनुअल्स, मैनुअल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, एंड फाउंड इन अ एरिया, और यहाँ पर यानी कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है, ठीक है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोरा, फ्लोरा दैट कंटेन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट इन अ गिवन एरिया, जैसे हमारे घरों में जो प्लांटेशन होता है
है ना, तो वो सब क्या हो जाएगा हमारा फ्लोरा। आप यहाँ पर सिर्फ उसकी नाम बता पा रहे हो, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन किस में है बेटा? मैनुअल्स में, याद रखना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन वर्ड आएगा एक पर्टिकुलर एरिया में। देन यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स भी किस में, यहाँ पर किस में होगा हमारा? कैटलॉग्स में, अल्फाबेटिकली अरेंज होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।